यार मैं एक गेम ढूंढना चाहता हूँ। वही गेम्स खेल खेल के मोबाइल वाले थक चुका हूँ मैं। पर लेकिन यार एक अच्छी सी गेम मिल जाए ना तो फिर बड़ा मजा आएगा मेरे को उस गेम खेलते वक्त। तो फिर मैं एक चाहता हूँ कि मेरे को एक ऐसा गेम मिले जो कि मैं एंजॉय कर सकूँ और बहुत ज्यादा एंटरटेन हो सकूँ। मैं नहीं सोच रहा कि मैं उस गेम के ऊपर कोई यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, पर लेकिन वो गेम बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी प्ले स्टोर में जाके फुल छानना वानना पड़े। हीरो हंटर्स? अब ये किसने लिखा है? ये कौन है यहाँ पर? किसने लिखा? मैं अकेला हूँ यहाँ पर। ये लिखा किस? हीरो हंटर्स? अब ये क्या है? दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के दिन हम लोग एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है हीरो हंटर्स। गेम का नाम है हीरो हंटर्स जो कि मैंने बता दिया है। एंड एक्चुअली मैं ऐसे ही रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी नहीं खा रहा था। एंड मैं चाहता था कि मेरे को एक अच्छी सी गेम मिल जाए, अच्छी सी गेम बता दे जिससे खेल के मैं फुल एंटरटेन हो सकूँ, एंजॉय कर सकूँ। तो फिर उसने कहा कि भाई हीरो हंटर्स खेल के दे। सो आई वॉज लाइक कर ली मैंने डाउनलोड। सो फिर हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एंड भाई ये दोबारा क्यों बोल रहा हूँ? बाय द वे जो लेफ्ट में एक बंदा खड़ा हुआ है जिसकी एक आँख नहीं है, ये तो सेम टू सेम निक फ्यूरी है। ऐसे यहाँ पे और भी बहुत सारे मोड्स हैं कॉपरेट्स के, कॉपरेट्स नाम के भी एक मोड है। पर लेकिन यहाँ पे सारे के सारे लॉक पड़े हैं जो कि मिशंस कंप्लीट होने के बाद ही अनलॉक होंगे। तो फिर अभी बस एक ही मोड अनलॉक है जो कि है कैंपेन। तो फिर हम लोग कैंपेन मोड खेलने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। 10 years after zero day. ओ भाई, इस गेम पे स्टोरी मोड भी है, कौन बताएगा मुझे भाई साहब। ओ भाई ग्राफिक्स, ओ भाई साहब, भाई मेरे को कौन बताएगा यार स्टोरी मोड है इस गेम में। अब तो हमें सीरीज चालू करने पड़ेगी भाई। लेट्स स्टार्ट अ न्यू गेम सीरीज। वैसे बाय द वे मैं मजाक कर रहा था गाइस, ये है हमारा पहला एपिसोड हीरो हंटर्स का। ओ भाई साहब निक फ्यूरी आ गया है कपड़े वपड़े पहन के, अपने सिक्स पैक दिखाते हुए। टैप एनिमेटी कंटिन्यू। अभी जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। सामने से एनिमीज आ रहे हैं तो मेरे को पता है, मैं बात कौन से काटूँ। ओके ओके, अबे क्या कर रहा हूँ मैं? ओके कंट्रोल थोड़े से हार्ड है पर लेकिन मैं सीख जाऊँगा आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। नहीं 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 नो शिट 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 शिट। वो अच्छा मैं ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मरे तुम मेरे हाथों से। वेरी नाइस। ओके ओके, मेरे पास टाइम नहीं इतना ही सबको पड़ता है वो। ओके नाइटिंगल, तो फिर ये आई थिंक इसकी टीममेट है हीरो। देखते हैं इसके पास भी स्नाइपर टाइप की कोई तो गन है। मैं इसके साथ अभी फाइट कर सकता हूँ। तो फिर लेट्स गो। ओ भाई साहब पहला ही खेल हेडशॉट के साथ। ओ नो 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 नो, छेद छेद बाहर निकल बेटा तू, एक बार बाहर निकल। देखा मार दिया ना मैंने, देखा गाइस। मैं भाई यार तुम लोग मानो या ना मानो, पहली बार ही मैं सही में कितना मस्त खेल रहा हूँ मैं। ओके अभी मैं ये बन सकता हूँ यहाँ पे। ओ भाई ये क्या है? मिसाइल्स। ओ भाई साहब भाई, ओ अब आया ना मजा। ओके यहाँ पे ये क्या एनिमी है हमारा? गिला दर्शाया है भाई, टीममेट ही है। ओ माय गॉड भाई साहब, ये ग्राफिक्स विजुअल क्या मस्त दिख रहे हैं। ग्राफिक्स क्या तगड़े हैं। ओ माय गॉड इतने सारे, लेकिन मैं कभी पहले ही कर लेता हूँ। ओ नो नो नो, ओ नो हट निकल, हट शॉट खा और निकाल। तुम मेरे से पंगा नहीं ले सकता। ये देखो ये देखो, अभी और कई से एनिमीज आ रहे हैं के वो। अरे यार शिट, ये कौन है? ग्रेनेडियर। अब ये कौन सा प्राणी है भाई? ओ नो नो नो, अभी भाई ये बन रहा हूँ। ओके और एनिमीज बाकी है के। ओके नाइस 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 नाइस, मस्त मारा मैंने, मस्त मारा इसको। ओके 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 और आ रहे हैं पर लेकिन अभी भाई ये यूज कर रहा हूँ। ओके ओके नाइस 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 नाइस, बहुत ओके।
नो, उसने ग्रेनेड फेंका, उसने ग्रेनेड फेंका। ओह नाइस, मेरे टीममेट ने मार दिया शायद। यस, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। मिशन कंप्लीटेड। ओ भाई साहब। हे गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एकदम खतरनाक वाला मजा आ गया मुझे आज, क्योंकि मैं पहली बार हीरो हंटर खेल रहा था एंड लिटरली गेम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा फाड़ूदार है। आप लोगों को खेलना है ये गेम तो फिर जल्दी से जाके प्ले स्टोर में जाकर इस गेम को डाउनलोड करो। एंड ये गेम वैसे ये गेम पार्लर 84 जैसा ही है, बिकॉज पार्लर 84 के ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, पर लेकिन आई थिंक इसके ग्राफिक्स पार्लर 84 से थोड़े से ज़्यादा बेटर है। वैसे पार्लर 84 के भी ग्राफिक्स एकदम तगड़े हैं, पर लेकिन इसके ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब मेरे को लगे। बाकी तो पार्लर 84 का गेम प्ले वगैरह सब कुछ बेस्ट है। अगर इस गेम के बारे में बात करूँ तो फिर फुल विजुअल्स, ग्राफिक्स, गेम प्ले, स्टोरी मोड सब कुछ बहुत ज़्यादा तगड़ा है। गन्स वगैरह फुल मज़ा आता है खेलने में। एंड मेरे को आज सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये तो फिलहाल हमारा इस सीरीज़ का एपिसोड 1 है। जैसे जैसे हमारे एपिसोड्स आते जाएंगे, मेरे को पता चलता जाएगा कि स्टोरी क्या चल रही है। एंड फिर जाके देखते हैं, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी, गेम और भी ज़्यादा तगड़ा होता जाएगा। सो या, आज के लिए बस इतना ही, एंड मैं आपसे मिलूंगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। एक सेकेंड, हम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल ही गए यार। एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट। There's not much to do.